दोस्तों, सर्दियों में दही जमाना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क जैसा होता है। ये दुख सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनकी दही सर्दियों में दूध जैसी रह जाती है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ जिसको आप फॉलो करोगे ना तो 100% आपकी दही एकदम थिक जमेगी जैसी आपको दिख रही है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब सबसे पहले जितने दूध का आपको दही जमाना है उतना दूध ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो दूध, क्योंकि मुझे आधे किलो दूध की दही जमानी है। इसको मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है। अब ये ठंडा हो गया ना, इसलिए मैं इसको दोबारा से गर्म कर रही हूँ। आपको हल्का गर्म भी नहीं करना और बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना है, मीडियम रखना है आपको। मतलब आपको पता कैसे चलेगा आपको कितना गर्म दूध रखना है? आप जैसे फिंगर इसके अंदर डिप करेंगे ना, वो आसानी से सहन हो जाए फिंगर, इतना आपको गर्म करना है। अब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और जिस भी बर्तन में आपको दही जमाना है ना, उस बर्तन में दूध को कर लीजिए। ये देखो दोस्तों, दूध को ना मैंने इतना गर्म करा है कि इसमें हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, यानी कि हल्का सा तेज गर्म है। जो भरी ठंड होती है ना, उसमें थोड़ा सा तेज गर्म दूध का ही दही जमता है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सहेजा, इसमें इसको हम जामन भी बोलते हैं, तो हम 2 चम्मच यहाँ पर भर के सहेजा लगा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में दही जमाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा सहेजे की ज़रूरत होती है। ये देखिए, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें सहेजा लगाया और इसको मैंने चम्मच की मदद से हिला लिया है। अब इसके बाद ना हमें इसको उछाला देना है, दूसरे बर्तन की मदद से हमें इसको 2-3 बार उछाल लेना है। इस तरीके से 2-3 बार उछाला देने के बाद आपको इसको कवर कर लेना है, और उसके बाद कोई भी वूलन की कैप ले लेनी, जो भी आपके पास यूजलेस हो। इसको अच्छे से क्लीन करके रखिए, और जब भी आप दही जमाएं ना तो इसी कैप का यूज़ करें। मैंने एक अलग से कैप बनाई हुई है। अब मैंने इसको इसके अंदर कवर कर दिया है। नीचे से भी जो हमारा कंटेनर है वो कवर होना चाहिए और ऊपर से भी कवर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे किसी भी अलमारी में या गर्म जगह पर रख देना है 1 दिन के लिए। अब ये देखिए, 24 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ। आप इसको कैप में से निकाल देंगे और मैं प्लेट हटा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही चक्का सी दही हमारी जमकर तैयार हो गया। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखो भाई, जब अनाड़ी लोग दही जमा सकते हैं तो भाई आप लोग तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप लोग क्यों नहीं जमा सकते? एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिए। चलिए मैं इसको दोबारा आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा थिक दही जमा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, बिल्कुल मीठा मीठा दही है। तो सर्दियों में भी ना आप दही के मज़े ले सकते हैं, तो इसी तरीके से आप दही जमाएँ और इसको इन्जॉय करें। सो गाइज, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।